तेल के बढ़ते दाम और रुपए की गिरती कीमत पर मोदी सरकार चौतरफा घिरी हुई है। इन आलोचनाओं को लेकर पीएम मोदी ने आर्थिक स्थिति पर चर्चा के लिए मीटिंग बुलाई, जिसमें रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल और वित्त मंत्रालय के अधिकारी शामिल हुए। इस दौरान अरुण जेटली ने महंगाई का सारा ठीकरा डॉलर पर फोड़ दिया। तेल के खेल पर जनता मोदी सरकार से जवाब मांग रही है। पूरा देश पूछ रहा है कि आखिर कब कम होगी महंगाई, कब बुझेगी तेल की आग, कब बेलगाम होते रुपए पर लगेगी लगाम। इन सवालों पर पीएम मोदी मौन हैं। वो देश से तेल के खेल पर मन की बात नहीं करते। कल भी आर्थिक स्थिति पर हुई चर्चा के बाद पीएम मोदी का कोई बयान सामने नहीं आया। उल्टा वित्त मंत्री अरुण जेटली ने एक बार फिर सारा ठीकरा डॉलर पर फोड़ दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका में कुछ नीतिगत फैसले लिए गए हैं, जिसके चलते डॉलर मजबूत हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत बढ़ी है। इन सब का प्रभाव हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ा है। इसकी वजह से तेल के दाम बढ़े हैं और रुपए में गिरावट आ रही है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि सरकार गैर जरूरी आयात में कटौती करेगी और निर्यात बढ़ाएगी। हालांकि जेटली ने ये नहीं बताया कि किन चीजों के आयात पर पाबंदी लगाई जाएगी। उन्होंने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर काफी ज्यादा है और दूसरे देशों की तुलना में भारत में महंगाई काबू में है। लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। वित्त मंत्री ने तो कह दिया कि जनता चिंता न करे, लेकिन जिस तरह से रुपया लगातार रुला रहा है और तेल जनता का तेल निकाल रहा है, उसके बाद लोगों के माथे पर शिकन कैसे न आए। बीते दिनों रुपया रिकॉर्ड स्तर 72 के पार पहुंच चुका है, जबकि तेल की कीमतें तो आने वाले दिनों में 100 के पार जाने वाली हैं। आज भी तेल के दामों में इजाफा देखा गया। दिल्ली में पेट्रोल 35 पैसे बढ़कर 81.63 रुपए पर पहुंच गया। वहीं डीजल 24 पैसे के इजाफे के साथ 73.54 रुपए के पार है। लगता है कि ये महंगाई सरकार को दिखती नहीं है, तभी तो मंत्री जी कहते हैं कि चिंता मत कीजिए। लेकिन अगर अभी उन्होंने चिंता नहीं जताई तो आने वाले चुनाव में उनकी मुश्किलें जरूर बढ़ सकती हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए यूट्यूब पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें।